सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमें बीजेपी को हराना है क्योंकि बीजेपी मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि राजपूतों का वर्चस्व खत्म हो। के बाद 2019 में जब सरकार आई 19 तो 13 टिकट हो गए वो, और अब मौजूदा सरकार में अब इस समय जो टिकट दिए हैं वो 6 से 8 टिकट दिए हैं। ये पंचायत बीजेपी को धरती में तारने के लिए हुई थी, राजपूतों ने इसे उठाया था, राजपूतों ने इसके झंडे बैनर लगाए थे, और राजपूती इससे धरती में वहाँ तारा गया जहाँ से उठने में इतना ही समय लगेगा जब से इसका गठन हुआ था। कैराणे में क्या लग रहा है? कैराणे में प्रदीप को ये लगा लोगे, प्रदीप 1.5 घंटे का कैंडिडेट है, इससे ज्यादा वो नहीं झेल पा रहा। क्यों राजपूत समाज नाराज हो रहा है भाजपा? अजी राजपूत समाज ही नहीं हो रहा, राजपूतों का शोषण किया जा रहा। कैराणे में वैसे क्या लग रहा है? कैराणे में इकरा जीतेगी। अच्छा, तो राजपूत समाज ने ऐलान कर दिया? ऐलान है उसका। तो क्या इसी सीट पे विरोध है या पूरे प्रदेश में ही विरोध राजपूत समाज कर रहा है? राजपूत समाज ज्यादा पूरे प्रदेश में ही रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश ही जाना है ज्यादा तो जानते हैं। अच्छा, आपको लगता क्या है कौन टक्कर दे सकता है? खूब जाके दबाओगे प्रदीप को? हाँ, हालांकि राजपूत समाज बिना किसी भेदभाव लालच के अब तक वोट देता है बीजेपी को। समाज के बच्चों के साथ बुरा व्यवहार है, और किसी भी स्कीम का भार मतलब पूरे हिंदुस्तान में राजपूतों को उसका स्पेशल फायदा नहीं हो रहा। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी सहारनपुर जिले के ननोता में है, और आज यहाँ पर जो है बहुत बड़ी राजपूत समाज की पंचायत हुई थी। देश में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इस समय राजपूत समाज की इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है, तो आज हमारे साथ कुछ राजपूत समाज से लोग हैं। बात करते हैं कि क्यों आज जो है महापंचायत बुलाई गई थी। जी भाई साहब, आपका नाम? भाई साहब मेरा नाम सचिन चौहान है, मैं नारायणपुर निवासी हापुड़ जिले से हूँ। अच्छा भाई साहब, मैं अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मेरे समाज की बात है और समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, और हमें बीजेपी को हराना है क्योंकि बीजेपी मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि राजपूतों का वर्चस्व खत्म हो। ठीक है भाई, अगर बीजेपी मुद्दों पर नहीं आएगी, सिर्फ धर्म पे आ रही है, ना हमारा धर्म पहले खतरे में था ना अब खतरे में है। हमें धर्म की चिंता नहीं है, वोट की चोट देकर बीजेपी को हराएंगे बिल्कुल। कहाँ से आज राजपूत समाज जो है इस पंचायत में आया हुआ है? भाई यहाँ से हरियाणा से आया है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, और आपका सारी जो राजपूत विधानसभा हैं उन सब से यहाँ पे लोग आए हैं। पूरे जिले से ही या पूरे उत्तर प्रदेश से राजपूत समाज जो है ये फैसला ले रहा है इस बार? देखिए राजपूत जो बीजेपी में मतलब जो 2014 में जब सरकार आई थी तो राजपूतों के 15 टिकट थे। ठीक है, और उसके बाद 2019 में जब सरकार आई 13 टिकट हो गए वो। अच्छा। और अब मौजूदा सरकार में अब इस समय जो टिकट दिए हैं वो 6 से 8 टिकट दिए हैं। अब बताइए ये बीजेपी का क्या एजेंडा है जो राजपूतों का वर्चस्व खत्म कर रही है? राजपूत ऐसे ही बिरादरी है जो 36 मतलब सत्य है, और लोग 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है। हम किसी का कुछ मतलब मान सम्मान हमेशा रखते हैं और रखेंगे। हमारे योगी जी को ये खत्म करना चाह रहे हैं, ये गुजराती है, गुजराती राजनीति यहाँ चला रहे हैं, गुजराती राजनीति हम चलने नहीं देंगे। राजपूत हमेशा बीजेपी को वोट देता है और देता पहले दे रहा था, अब नहीं देगा। क्या कारण है? एक समय पूरा लगभग पूरा ही वोट जो है राजपूत समाज देता था, तो ये क्या मांग वैसे मुख्य मांग थी यहाँ पे? मुख्य मांग क्या है? देखो हर बिरादरी सम्मान चाहती है। मायावती ने अपनी बिरादरी के लिए सम्मान के लिए लड़े, अखिलेश यादव अपने बिरादरी के लिए लड़े, संजीव बालियान अपने बिरादरी के लिए लड़ रहा है, तो राजपूत समाज ठाकुर पूरन सिंह और ठाकुर ललित राणा जी अपनी बात को कह रहे हैं और समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, समाज के लिए ही वो दिन रात एक कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ। अपनी आने वाली पीढ़ी हमें कल ये कहे कि तुमने क्या करा, समाज को आगे ले जाना है और अपनी बात को आगे रखेंगे। ठाकुर यशपाल सिंह, अच्छा क्या लग रहा है यहाँ इतनी बड़ी पंचायत हुई थी राजपूत समाज की, क्यों विरोध? आपने क्या महसूस करा? हम तो अभी आए हैं पता करने। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पंचायत बीजेपी को धरती में तारने के लिए हुई थी, राजपूतों ने इसे उठाया था, राजपूतों ने इसके झंडे बैनर लगाए थे, और राजपूती इससे धरती में वहाँ तारा गया जहाँ से उठने में इतना ही समय लगेगा जब से इसका गठन हुआ था। राजपूतों को नज़रअंदाज करने का इस चुनाव में इसे पता लग जाएगा कि तेरा वजूद कितना है। इसी के लिए आज पंचायत हुई थी, निर्णय लिया गया जो भी कैंडिडेट इसे हरावेगा बीजेपी को उसी ये यहाँ से एक हवा निकल गई, और इसे पूरे हिंदुस्तान में सारे क्षत्रियों में जहाँ भी एक क्षत्रिय चाहे एक वोट है वही वोट बीजेपी को हराने के लिए काम करेगा। हमारा कोई कैंडिडेट अपना नहीं है, जो भी उसे हरा रहा उसी को हम वोट करेंगे। कैराणे में क्या लग रहा है? कैराणे में प्रदीप को ये लगा लोगे, प्रदीप 1.5 घंटे का कैंडिडेट है, इससे ज़्यादा वो नहीं झेल पा रहा। प्रदीप को
राजपूत के यहाँ लगभग 80,000 वोट है, लेकिन वो अपनी वोट को चार गुना करना जाने क्यों, उनके बड़ों ने उनमें में संस्कार डाल रखे हैं कि लोगों को देना, लोगों को पालना, लोगों को खिलाना, वही संस्कार हमारे अंदर जुगे तो हैं। किसी को अपने गांव से उजाड़ने का काम हम नहीं करते। जहां गुज्जर बाहुल्य है वहाँ श्रेणियों का हाल देख लो, वहाँ ब्राह्मणों का हाल देख लो, वहाँ बड़ियों का हाल देख लो। अभी तीतरों में एक कांड हुआ, एक गुज्जर का लड़का चोरी करते हुए मौके पर पकड़ा गया, थाना पुलिस को दे दिया गया, उन्होंने उसे सामान बरामद करा गया और इन गुर्जर नेताओं ने उसे 151 में बंद कराया। ये राजपूत तो नहीं होता, राजपूत अपने गरीब आदमी को अपने गले लगाने का काम करता है और वो इस चुनाव में दिखा भी देंगे। जी आपका नाम? प्रमोद राणा। अच्छा, कहाँ से आए जी? मंदौर से। अच्छा जी, क्या लग रहा है, इतनी बड़ी पंचायत हुई थी, क्यों राजपूत समाज नाराज हो रहा है भाजपा? अजी राजपूत समाज नहीं हो रहा, राजपूतों का शोषण किया जा रहा, ना तो इन्हें टिकट दिया जा रहा ना इनके उस पे समाज पे जो इनकी विराज वो है जाति पे आपत्तिजनक वो कर रहे हैं, जैसे पहले किया पंचायत में उस हिसाब से राजपूत समाज की मीटिंग हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए राजपूत समाज एक तरफा वोट करता था बीजेपी को, तो ऐसी क्या नाराजगी इस बार जो है? अब नाराजगी है तो राजपूत का शोषण कर रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे राजपूत को, जहाँ टिकट देने का था, जहाँ राजपूत 4 लाख था वहाँ भी टिकट किसी को लाला को दे रहे, किसी को वैसे दे रहे। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री भी जो है, अजी मुख्यमंत्री की तो साथ हैं रहेंगे जब तक वो हैं साथ रहेंगे, मुख्यमंत्री को भी नहीं सुन रहे हैं तो। ये तो अमित शाह जो मोदी की चल रही है। तो आज क्या फैसला हुआ है वैसे, किस क्या लग रहा है क्या फैसला हुआ है? जो बीजेपी के कैंडिडेट को रहा होगा उसे वोट देंगे। अच्छा, कैराना में वैसे क्या लग रहा है? कैराना में इकरा जीतेगी। अच्छा, तो राजपूत समाज ने ऐलान कर दिया, ऐलान है उसका। अच्छा। जो भी से हरा होगा उसी देंगे, इकरा ही हरा रही, इकरा ही कुछ देंगे। और कैराना में वैसे तो कैंडिडेट है, इकरा हसन है, सिरपाल राणा जी भी है उसमें से, और एक तरफ प्रदीप चौधरी है, तो राजपूत समाज किधर जा रहा है? इकरा की तरफ। अच्छा, घोषणा ऐलान हो गया? हाँ जी, ऐलान हो गया जी। भाई साहब आप? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम बलसिंह चौहान, एडवोकेट, अध्यक्ष राजपूत सभा नकुड़। अच्छा जी, हाँ जी। क्या लग रहा है आज इतनी बड़ी पंचायत पर पंचायत हो रही है, क्या सरकार सुनने को तैयार नहीं है क्या? नहीं, सरकार तो क्या सुना रही है, हमें तो सरकार को विपक्ष में रहना है, राणा जी सरकार को। अच्छा। बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक। तो क्या इसी सीट पे विरोध है या पूरे प्रदेश में ही विरोध राजपूत समाज कर रहा है? राजपूत समाज ज्यादा पूरे प्रदेश में ही हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश ही जाना है ज्यादा तो जानते हैं, लेकिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्या ये आज आखिरी फैसला था या इसके बाद अगर कोई बड़ा नेता जैसे राजनाथ सिंह या योगी जी आके आपको अगर मनाए, क्या मानने को तैयार? आखिरी फैसला है, कोई भी आवे राजपूत समाज मानने का नहीं। जी बाबा जी, आपका नाम? जीत सिंह। कहाँ से आए हो? मंदौर से। अच्छा, मंदौर जी, क्या लग रहा है इतनी बड़ी पंचायत हो रही? भाई इतनी बड़ी तो पंचायत या नहीं हो रही है, जो ऐसी बातें ना करते इस समाज के साथ, यूँ ऐसा काम ही नहीं होता। अच्छा, अगर आपकी बात करें तो राजपूत ठाकुर समाज के कितने यहाँ पे वोट होगा? 80 के करीब है। कराना में 1 लाख। हाँ, तो आखिरी फैसला क्या हुआ है यहाँ पे? आखिरी फैसला तो ये है, जो इन्हें हरा होगा उसे ही वोट देंगे, वो इकरा हो चाहे वो बहुजन हो कोई भी हो। अच्छा, आपको लगता क्या है कौन टक्कर दे सकता है? इकरा देगी, खूब जाके दबाओगे प्रदीप को। हाँ, 2 लाख से जीतेगी। इकरा 2 लाख। चक्कर यह है राजपूत तो जा ही नहीं था किसी पार्टी में, जैसे एससी समाज बसपा से बन जा रहा था ऐसे ही राजपूत समाज बीजेपी से बन जा रहा था, पर बीजेपी इसकी ये मोदी अमित शाह इनकी वो करने लगे कि राजपूत के बिना ही हम वो चला के दिखाओगे, देख लो ये वो दिखाया देंगे अभी 24 में से। अच्छा, क्या है यह नाराजगी इसी इलेक्शन तक सीमित रहेगी या आगे भी ये नाराजगी? आगे भी अगर ऐसे ही चलते रहे तो आगे भी रहेगी, बढ़े बढ़ेगी, कम नहीं होने की। देखा जा रहा है त्यागी समाज भी काफी नाराज नजर आ रहा है। त्यागी भी, सैनी भी समाज नाराज है इससे। इससे तो ऐसा कोई सा समाज नहीं है जो है, एक बस साफ होना प्रदीप का नेता, प्रदीप का नहीं बीजेपी का भी धूड़ होगी पश्चिम से। 30 से 35 सीट पर तो पूरा दबदबा है, वैसे मिनिमम 50 सीटों पर दबदबा है यूपी में समाज का, तो लगभग 50 समाज के साथ अन्य समाज भी जुड़ के चलते हैं, और राजपूत समाज सभी समाजों का ख्याल रख के चलता है। ये तो राजा महाराजाओं की कहावत थी कि जय महाराणा जय राजपूताना, ये सभी समाज को अपने साथ लेके चलता था, लेकिन इस समाज की अनदेखी और इस समाज के बच्चों के साथ जो बेरोजगारी का व्यवहार रहा और समाज की तरफ जो मतलब किसी भी तरह का स्वाभिमान नहीं किया गया, हमारे जो है राजस्थान के जो अभी मारे गए थे उनके उसमें कोई इंक्वायरी अब तक इतनी खास ठोर पर्यवेक्षण नहीं हुआ, मतलब जिससे कि भाई उस कार्रवाई में तेजी पकड़ी जाए,
और समाज के कई जगह ऐसे हैं जहाँ टिकट पहले राजपूत समाज का था, वहाँ काट के अन्य समाज को दे दिया गया। हालांकि राजपूत समाज बिना किसी भेदभाव लालच के अब तक वोट देता है बीजेपी को, उसके बावजूद भी ये स्वाभिमान की बात थी जो इनके बाद इतने टिकट काटते गए और टिकट कटने के बावजूद ये रोष है, ये शोषण हो रहा है, रोष नहीं, ये शोषण है समाज का। समाज के बच्चों के साथ बुरा व्यवहार है और किसी भी स्कीम का भार मतलब पूरे हिंदुस्तान में राजपूतों को उसका स्पेशल फ़ायदा नहीं हो रहा, अन्य समाजों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा लेकिन राजपूत समाज को इससे पीछे रखा जा रहा। अच्छा, आपको लगता है राजपूत समाज कोर वोटर था, इस वजह से आपको आपकी अनदेखी की गई है भाजपा का, तो इस वजह से शायद ना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन दिया? हाँ यही हुआ, ये तो हमारे से बंदी रहे, क्यों ना दूसरे उसको देख लें बीजेपी, ये राजपूत समाज को काटने के लिए कि ये तो कहीं जाने का नहीं, ना सपा में जा ना बसपा में जा, अरे क्यों नहीं जाने का, हमारा तो जहाँ भी वो बैठेगा, ये रही इसकी गाजियाबाद सिटी देख लो, वीके सिंह की थी, 4 लाख से भी ऊपर से जीता था, 5 से बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत हुई थी और उसका भी टिकट काट दिया। अग्रवाल जी को शायद दिया है, अग्रवाल तो हारेगा, उधर भी राजपूत समाज काफ़ी इफेक्ट रखता है काफ़ी समाज के अंदर। एक रोज ये कि क्या है राजपूत समाज के, इसमें एक रोज पृथ्वीराज चौहान वाला मुद्दा, मीरभोज वाला मुद्दा, इसमें सरकार एक निर्णायक रूप में भूमिका निभाए और इसमें सरकार क्या है और झोले में गोला करने वाली काम कर रही है, व्यवस्था बनाने की बजाय बिगाड़ने की बात कर रही है। जो महापुरुष सभी समाज के हैं, जो राजपूत समाज के हैं, उनको अन्य समाजों में बांटने का काम सरकार कर रही है, इससे बहुत बड़ा रोष है और ये आने वाले टाइम में भाजपा को दफनाने का काम करेगा। तो यही चाह है कि आदमी हर उसका सम्मान करे, राजपूत समाज तो सबको सम्मान करके चले, और इब राजपूत का भी शोषण करने लग रही है, जो गुजरात से आए हुए यहाँ आने के वो करने लगे हैं भाई, अरे ऐसा नहीं होता, राजपूत समाज तो सबको साथ ले कर चले, और अब के दिखाया देगा 24 में राजपूत समाज क्या है क्या नहीं है। काफ़ी नाराजगी नज़र आ रही है जी, काफ़ी नहीं, सब 100% नाराज है, पूरे भारत में है, दूर यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कहीं भी हर जगह विद्रोह है, खुश नहीं है राजपूत, हाँ खुश नहीं है, विद्रोह है पूरा दबा के, पहले से ही इस वजह से, क्योंकि राजपूत समाज देशभक्त रहा है इसलिए भाजपा को लंबे टाइम से वोट देता है और बिना किसी नफे नुकसान के, कोई लाभ नहीं हुआ आज तक भी राजपूत समाज को स्पेशल, नहीं तो अन्य समाजों के लिए स्पेशल स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने भी निकाली, भाजपा ने भी निकाली और सैंकिन ने भी निकाली, इसके लिए कोई वो नहीं, लेकिन एक स्वाभिमान की खातिर केवल ये रोष है क्योंकि इनके टिकट काट दिए गए हमारे समाज के लोगों के, हमारा समाज बिना किसी भेदभाव के इतनी लंबे टाइम से वोट दे रहा और आगे भी वोट देता रहता अगर ये स्वाभिमान की बात ना आती, अब तो ये भाजपा को दफनाने का काम करेंगे और आने वाले टाइम में इसकी बहुत लंबी चोट लगेगी, भाजपा अपने मौके पर गिरेगी क्योंकि समाज का झटका थटपट पटका। हम अभी यहाँ पे ननौता में, ननौता में आज राजपूत समाज की बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, राजपूत समाज से की काफ़ी नाराजगी भाजपा से है और उन्होंने घोषणा की है कि भाई जो भाजपा के कैंडिडेट को रहेगा हम उसके साथ हैं। जुड़े रहे सीसीसी यूपी से, खबरें आप तक आती रहेगी, धन्यवाद।